नीतीश सरकार का शुरू से ही प्रयास रहा है कि लोगों की परेशानियों को कम किया जाए, उन्हें जीवन जीने के लिए किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस पर सरकार की पैनी नजर रहती है। साथ ही सरकार की नजर उन सभी योजनाओं पर रहती है कि लोगों को इसका लाभ उचित ढंग से मिल रहा है या फिर नहीं। इतने के बावजूद प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भी उन्हें ये सुविधा नहीं मिल पा रही। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो अब टेंशन खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ एक कॉल पर आपकी ये समस्या छूमंतर हो जाएगी, जिसकी अब पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली पानी समेत कई समस्याओं से लोग बहुत परेशान हैं। हर साल गर्मी आते ही पानी की समस्या बढ़ जाती है, लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लोगों की शिकायतें सुनने वाला तक कोई नहीं होता। ऐसे में अगर आपको भी पानी की समस्या हो रही है तो एक कॉल पर तुरंत आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। जल स्तर की शिकायत के लिए मंत्रालय की तरफ से विशेष टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। पानी की समस्या होने पर आप 1800123 1121 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। विभाग के मंत्री ने 24 घंटे के भीतर समाधान का भरोसा भी दिया है। मंत्री ने बताया कि पहाड़ी इलाके और कैमूर के जनजातीय क्षेत्रों में टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। विभाग के सेक्रेटरी जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य के सभी 8,387 पंचायतों की हर 15 दिन पर मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके आधार पर फिलहाल राज्य के किसी जिले में जल का संकट की स्थिति नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग हर 15 दिनों पर की जा रही है। कुछ कुछ जगहों पर 1 से 2 फीट पानी डाउन हुआ है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली मिशन का परिणाम दिख रहा है कि इतनी भारी गर्मी के बाद भी कहीं भी जल स्तर में गिरावट नहीं हो रही है, ये अच्छे संकेत है। जितेंद्र श्रीवास्तव ने आगे बताया कि जल संकट की स्थिति में अलर्ट होने के लिए 2 पैमाने तय किए गए हैं, नॉर्थ बिहार में 25 फीट और साउथ बिहार में 35 फीट निर्धारित किया गया है। इससे ऊपर जल स्तर जाने वाले इलाके को रेड जोन में डालकर उससे समाधान पर काम किया जाएगा। स्थिति में विभाग के इंजीनियर उस इलाके में पहुंचेंगे और वहां अन्य स्रोतों से जल प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। बिहार में सरकार लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत से प्रयास करती है, लेकिन पहले ये शिकायतें होती थी कि सरकार स्कीम्स तो दे देती है, वादे तो कर देती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन अब सरकार की तरफ से इस चीज का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो वादे वो करे वो जमीन पर पूरे तरीके से निभाए जा रहे हैं या नहीं, इसका भी जायजा लिया जाए। और इसीलिए अब इस एक चीज में भी अधिकारियों को कह दिया गया है कि हर 15-15 दिन पर मॉनिटरिंग की जाएगी, और कहीं से अगर टोल फ्री नंबर पर कोई शिकायत भी आती है तो उसका समाधान भी तुरंत होगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज के लिए गोविंद की रिपोर्ट। आप बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।